की ओर से जागरूकता फैलाए जाने का अभियान जारी है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस की ओर से ईशा नदी पुल पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यातायात प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे की मौजूदगी में नगर के ईशन नदी पुल पर विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस के सिपाहियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन चेकिंग में सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहनों को रोक रोक कर चेक किया। जिन वाहनों के कागजात पूरे नहीं थे उन वाहनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। साथ ही यातायात माह के अंतर्गत लोगों को हेलमेट के लिए और यातायात नियमों की जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। यातायात प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे ने बताया कि विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान में ऑनलाइन चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन चालान के जरिए करीब 170 दो पहिया वाहनों के चालान काटे गए। उन्होंने यह भी बताया कि यातायात माह के बाद भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ये यातायात माह चल रहा है। चालान के पहले हम लोगों द्वारा विद्यालय में जा कर के यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आज जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल आगरा रोड पे है, वहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद ऑटो चालकों को यातायात के बारे में जागरूक किया गया, प्रशिक्षित किया गया कि कैसे सुरक्षित चलना है। उसके पश्चात हम लोग यहाँ चालान काटना शुरू किए हैं। अब तक लगभग 170 चालान कट गए हैं। अभी चालान चलेगा कुछ देर तक, जिसमें जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं और जो बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं उनके सुरक्षा के हिसाब से उन्हीं का चालान कट रहा है। सर, जो हेलमेट ना लगाए हुए हैं उनको हेलमेट लगाने के जागरूक किया जा रहा है सर? हाँ, हेलमेट लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। विद्यालय में जाकर के भी बताया मैंने, पहले जाकर के हम लोग जागरूक करते हैं, बैनर लगाए हैं शहर में, जगह जगह पोस्टर हो जब पाए गए हैं कि हेलमेट लगा के चलें, अपने जीवन की सुरक्षा रखें। गाँव में जाकर के गाँव के स्कूलों में भी जागरूक किया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी हो रहा है।